राधा गोविंद शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक व व्यापारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से नाम जप के लिए बहुत कम समय दे पा रहा हूं, और महाराज जी मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, इन सब की उत्पत्ति ना हो और नाम जप में निरंतरता आए, इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन करें। इसको समझना पड़ेगा। गृहस्थी में हम कभी नहीं कहते कि आप आसन बांध करके भजन कीजिए, आसन लगा, ये विरक्तों का मार्ग है। अलग अलग सेवा नहीं, गृहस्थी में सेवाएं बहुत है। गृहस्थी में कर्तव्य का बहुत बड़ा पालन करना योग है। बेटी को पढ़ा लिखा कर जा करना, बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई व्यापार नौकरी देनी, आए हुए अतिथि का सत्कार करना है, पूरे खर्चे निर्वाह, उसके चिंतन में बहुत कुछ चलता है। अब उस चिंतन को प्रभु के नाम में जोड़ना बड़ा कठिन लगता है। बस इसी कठिनता को यदि सुलझा ले तो जो कि योगी की गति होती वही उस गृहस्थ की गति होगी, इतना अंतर नहीं पड़ेगा। जो एक काम क्रोधादि को सहते हुए महात्मा निरंतर एकांतिक भजन में लगा हुआ है, उसको जो परम पद मिलता है, वही परिवार का पोषण करते हुए, बच्चा, रिश्ता, नाता, अतिथि सबका करते हुए भी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। बस अभ्यास और आश्रय, इन दो बातों पर ध्यान देना है। आश्रय धन का नहीं, अपने बाहुबल का नहीं। आप में भी जो बाहुबल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, जितना बुद्धि बल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, जितना धन है या आगे मिले वो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ। उस या ज्ञानी जीव जानता नहीं है, प्रभु से विमुख होकर वो सुख चाहता है। गौर से देखो, हरि के सिवा कौन ऐसा है जो तुम्हारा साथ दे सकता है? गौर से देखो, मतलब विवेक से देखो। बोले नहीं, मित्र हैं हमारे, उनसे हरि निकल जाए तो कई मिनट तुम्हारे पास वो रुक सके, हरि चले जाए तो सौ हो जाएंगे ना। मतलब हरि खास बात है, परिवार, पुत्र, मित्र, कोई भी, हरि देखो है तो उसकी सत्ता है, और हरि नहीं है तो उसकी सत्ता ही नहीं। तो हम फिर जिनकी सत्ता ही नहीं उनसे क्यों आश्रय तत्व जोड़े? आश्रय तो हम हरि का लेंगे ना। कैसे? सुखी मीन जिमनी रे अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बाधा। चाहे गृहस्थ चाहे व्यक्ति, जहां अगाध करुणा समुद्र श्री हरि का आश्रय लिया, अंदर की बात है आश्रय, बाहर की बात नहीं की, अंदर से वो आश्रय तभी होता है। जैसे गजेंद्र ने लिया, हार गया, द्रौपदी जी ने लिया, हार गए, अब कोई बल नहीं रहा। अगर वो आश्रय सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हमारे हृदय में जागृत हो जाए, या किसी ऐसी परिस्थिति से भगवान का आश्रय हो जाए, सब बात बन जाए। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भजन नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ना, एक क्षण छोड़ो तो मन कितनी, जैसे बंदर डाल पे डाल, शाखा पे शाखा भागता घूमता है, ऐसे घूम रहा है। अपने मन को देखो, अपने इंद्रियों को देखो। भगवान का पहले, सबसे पहला कार्य आश्रय। बड़ी कृपा है जो आप सत्संग सुन रहे हो, बड़ी कृपा है जो आप अपना समाधान चाह रहे हो भजन का, ये कृपा है उनकी, ये हेतु की कृपा ठाकुर जी की है। इसका मतलब मेरा कल्याण होना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु ने कृपा न की होती तो साधु समागम क्यों मिलता? जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति हो रही तो हमारा हित होना है, हमें प्रभु की प्राप्ति होनी, नहीं तो ऐसा सौभाग्य कैसे मिलता। अब अंदर से आश्रय ले लो, अभी ले लो, उसके लिए कोई लायकात की जरूरत नहीं होती। आपके स्कूल में जन्मे, कितने पढ़े हैं, कैसे आचरण, तो आप ही चेत सु दुराचार हो, बिल्कुल छूटे, जो भी रहे हो, जैसे भी हो, अभी इसी क्षण अंदर से। मैं जानता नहीं हूं आपको, पर जो कोई भी हो तो मैं आपका आश्रय लेता हूं अंदर से। हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जो नाम प्रिय, जो नाम आप प्रभु का माने। हमारे प्रभु के विविध नाम है, विविध रूप है, क्योंकि अनंत महिमा का नाम है।
अंदर से आश्रित हो जाओ। अंदर बहुत चमत्कार इसमें है, आश्रय तत्व में। साधन एक तरफ और आश्रित एक तरफ। आश्रय तत्काल परिवर्तन होता है इसमें, तत्काल जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। कई बार सुनाया, ध्यान से सुनना, जब सुग्रीव जी बाली जी के लात घोषों के प्रहार से पीड़ित होकर भाग रहे थे, पूरी कथा तो बड़ी है, कहीं कोई जगह नहीं थी। एक जगह था जहां ऋषि का शाप था, बाली जा नहीं सकता था, वहां और दूर से देखा कि श्याम घन श्री लालजू रामजू और गौरवर्ण लखन जी भयभीत हो गए। हमें लगता है बाली ने स्वयं तो आ नहीं सकता ऋषिमुख पर्वत पर, तो ये राजकुमारों को भेजा है और ये इनकी भुजाएं देखकर लगता है ये मुझे मार डाले, क्योंकि महाबलशाली अजान बाप भगवान की भुजाएं अभेद भुज दंडमु, ऐसा स्वरूप सौंदर्य सिंह घबरा गया। हनुमान जी महाराज से कहा, तुम पता लगा क्यों? अगर ये ऐसे ही वन विचरण करने के लिए आए तो मैं इनके चरण पकड़ लूंगा, क्योंकि बहुत बलशाली नजर आ रहे हैं, और अगर ये बाली के द्वारा भेजे तो मैं भाग पड़ू, क्योंकि इनसे मैं नहीं जीत सकता दूर से देख के। हनुमान जी गए और भगवान को परिचय दे के कांधे पे बैठाल दिया। हम जो बताना चाहते हो देखो, जब हनुमान जी ने कहा ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाड़िले भगवान राम है और ये लखन है, उसको परम संतोष हुआ कि बाली ने भगवान से हनुमान जी, देखो महाभागवत ही आश्रय दिलाता है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि बहुत दुखी हैं, बाली ने बहुत त्रास दिया, बहुत मारा है, ये तो कहो बस प्राण नहीं लिया है और इसी भय से यहां रह रहे हैं, प्रभु आप निर्भय कर दो। सुग्रीव ने अपनी बात बताई किस कारण से ऐसा पूरी बात, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने उसी समय मित्रता स्वीकार की, आज से मैं तुम्हारा मित्र। प्रभु बाली बहुत बलवान है, शायद आप जानते न हो। भगवान ने कहा कि कैसे विश्वास करोगे कि मैं बाली पर विजय प्राप्त कर सकता हूं? बोले ताल के लगातार वृक्ष खड़े हैं और आगे दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, अगर एक बाण में आप इतने सब ताल के वृक्ष और दुंदुभि राक्षस की हड्डियों को बेच दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप बाली को मारोगे। अमोक बाण भगवान, ये क्या चीज है? बड़ा प्रसन्न हुआ, आप जैसा मित्र मिल गया। दूसरे दिन युद्ध के लिए ललकार जाकर भगवान ने प्रेरणा की, जी भी बाली चला तो उनकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ा और कहा, स्वामी आप समझ रहे हैं सुग्रीव कभी आपके सामने भी आ सकता है? वो आज ललकार रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ हो जाए। उनका पागल हो तुम, भगवान समदर्शी है, मुझे क्यों मारेंगे? मैंने उनको बैर तो किया नहीं ना। चलो सुग्रीव के जे ही घोसे का प्रहार किया, त्राय मां बोल उठे, क्योंकि महाबलशाली 6 महीना काख में रावण को दबाए रखा। मेन जो बात हम कहना चाहते हैं उसे समझना, भगवान ने दिखा दिया कि तेरे में सामर्थ्य नहीं, सुग्रीव तो भाग पड़े आए। बोले प्रभु पिटवा दिया ना, नस नस दर्द कर रहे, इतना मारा है। बोले हम क्या करें, तुम दोनों एक रूप थे, एक रूप ही, समझे में नहीं आ रहा था कौन सुग्रीव और कौन बाली। अच्छा ये माला हमारा पहनो और स्पर्श करके सारी पीड़ा, अब जाओ, पहले में ये दर्शाया कि तू सामर्थ्यहीन ऐसा समझ, अब मेरी सामर्थ्य का चल। अब तो सिंहवत महान बलशाली सुग्रीव, भगवान ने एक बाण बाली को, बाली जब मूर्छित होके गिरा फिर चेतना ही तो सामने देखा, नव किशोर अवस्था, कोटि कामों का दमन करने वाले भगवान की सुंदरता, हृदय में तो अपार प्रीति उदय हो रही है, लेकिन मुख से कड़वे वचन बोल रहा है, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला राम प्रभु की तरफ देख करके बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्रभु, कारण कौन नाथ ने? नाथ माने स्वामी आप तो सारे जगत के मालिक हो, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बचपन से देख रहा हूं सुग्रीव कोई भजनानंदी नहीं है, कि भाई भजन करता है तो आपने उसका पक्ष ले लिया, जैसा मैं वैसा वो, आचरण हमारे बराबर दोनों भाइयों के ऐसे ही रहे, तो मुझे क्यों हमारा उसका पक्ष क्यों लिया? तो खास बात, कोई साधना की बात नहीं है, आश्रय ले लिया। भगवान ने कहा मेरा इसने आश्रय ले लिया
और जो मेरी शरण में हो जाता है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन। कोई साधना यहां बात नहीं आई, आश्रय भगवान का आश्रय। हम आश्रित, पहला शब्द गृहस्थी में संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति का उपाय भगवत आश्रय, भगवान के अंदर से शरण। और दूसरी बात अभ्यास। जो मन हमारा संसार का चिंतन कर रहा है, उस मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो दो बातें एक साथ कर सकता है, उसमें बड़ी सामर्थ्य है। परमानंद की प्राप्ति में तो पूरी एकाग्रता ही हो जाती है, पर ये दो बातें कर, जैसे हम चल राधा 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 श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो देखो ये संसार का चिंतन कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये नाम जप में नहीं लग रहा है, नहीं तो अगर ना लगे तो वाकेंद्री बोली नहीं पाएगी, मन के संयोग से इंद्री काम करती है। अब वाकेंद्री तो बोल रही राधा राधा, और अवसर लगा कि विषय चिंतन कर रहा है, मुझे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अब उसका विषय चिंतन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, पर हमको जीव हिलानी पड़ेगी। अहो वत्सो पचतो गरियान यद जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक होता है, साधक को अभ्यास करना पड़ता है। राधा हमने तो कहा है कि 10-10 मिनट में एक एक बार का अभ्यास बना लो, लगना तो पड़ेगा। 10 मिनट में एक बार बोलो राधा, और जितनी देर जागते हो उसमें 11वां मिनट ना होने पावे। और आप फिर कुछ दिन बाद बताना कि आपका भजन कितना होता है, क्योंकि हर दिन आप 10 मिनट में उसको चिंता होने लगेगी क्या बोलना है राधा, कई मिनट हो गए क्योंकि राधा बोलना है, कितनी बार वो स्मरण करेगा राधा राधा। हमको उसको फंसाना है, और एक दिन सच्ची मानिए सब काम करते हुए भजन करने, क्योंकि जिभ्या का काम है हिल हिल करके नाम जप करना, और अंगों से चेष्टाएं करते रहना। ये मन बड़ा ताकतवर है, ये करवा ले, ये बहुत ताकतवर है, बहुत साक्षात भगवान का स्वरूप भी है। इंद्रियाम मनुष्यास्मि भगवान कहते हैं, तो इतना हमने उसको छूट दे दी इसलिए भजन नहीं कर रहा। नहीं, भजन करते हुए सब काम हो सकता है। जब भगवान करे मामनिश्वर युद्ध च, युद्ध जैसा कार्य मेरा स्मरण करते हुए कर, तो भला खेती व्यापार नौकरी इनमें नहीं हो सकता। अच्छा हम कह रहे जितनी देर तुम एकाग्र होकर लगे हो कार्य में, तो घंटा दो घंटा कभी तो अलग हुए ना उससे, जब अलग हुए तो राधा, फिर घंटा दो घंटा फिर राधा, और जितना समय लगाया संसार के कार्यों को भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणमस्तु, इतने बजे से इतने बजे तक जो वो भगवत प्राप्ति करा देगा आपको। समझ पा रहे हो, किसानी करो चाहे व्यापार करो चाहे नौकरी करो, भगवान को अर्पित वो कार्य करते रहो, और बीच बीच में नाम जपने का अभ्यास। पर ये तभी कर सकते हो जब मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, पर स्त्री गमन नहीं करोगे, गंदी बातों से बचोगे, तब कर सकते हो, नहीं केवल सुन लो कर नहीं पाओगे। गंदे आचरण करने वाला कभी अध्यात्म की चेष्टाएं नहीं कर सकता, वो बकवास केवल होती है। पवित्रता चाहिए, अंतःकरण की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आपके विचार पावन, तब तो ये पावन मार्ग है, तभी तो परम पवित्र भगवान का भजन कर पाओगे, अनुभूति कर पाओगे। अब गंदे गंदे भोजन करो, गंदे गंदे दृश्य देखो, गंदी गंदी विचारधाराएं, और सोचो कि भजन तो कि नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति, अच्छे आचरण करो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, जो गति एक मुनि को मिलती है वही गति आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान के दो मार्ग, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। तो निवृत्ति है ये मार्ग, और प्रवृत्ति है आपका मार्ग। कितना बड़ा मार्ग है, चार रोटी बनाए एक रोटी निकाली, इससे गाय को दे दी, कौवा को, चिड़ियों को दे दी, कोई साधु महात्मा भूखा या खवा, उसी से भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। जितने भी संत प्रगट हुए गृहस्थी से ही आए हैं, माता पिता तो गृहस्थी थे ना, भरण पोषण गृहस्थी से हुआ है, वस्त्रादि गृहस्थी से ही, जिसका अन्न लगा है स्तन में, जिसका वस्त्र पहन रहे हैं, जो हमें भिक्षा दे रहा है, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? अगर वो स्वयं थोड़ा भजन कर लेता है और ऐसे सत्कार करता है, तो वो बढ़कर के है, वो आगे की गति को प्राप्त करेगा। वो अपना उदर पोषण करता है, सन्यासी परमहंस विरक्तों का भरण पोषण करता है, अन्य जीवों का भरण पोषण करता है, और जितना बनता है नाम जप करता है, वो महात्मा ही है। अब व्यभिचार करो, सब गंदे आचरण करो, तो वो कोई भी करे तो दंड तो मिलेगा ना, ऐसे सावधान होकर रहो। बहुत बढ़िया गृहस्थी मार्ग में भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवद आश्रित, पवित्र हार, अतिथि सेवा, समाज सेवा, नाम जप, निश्चित निश्चित भगवान की प्राप्ति।